नमस्कार फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम। फ्रेंड्स, अगर 12th बाइपार्टाइट का रेजिडुअल इश्यूज आप देखें तो उसमें जो 11 नंबर पॉइंट है वो है डीए स्कीम फॉर ऑल पेंशनर टू बी एट द यूनिफॉर्म इंडेक्स ऑफ 8088 पॉइंट्स। और इधर हमारा डिमांड चल रहा है कि बैंक पेंशन का जो अपडेशन हो वो आरबीआई पैटर्न पे हो, और सारा दारोमदार यही है कि जब तक और 808.88 का मर्जर और जो हमारा इंडेक्स है वो 2016 = 100 और प्लस आरबीआई पैटर्न, अगर ये सब बातें हम पेंशनर पे लागू करें आरबीआई पैटर्न के हिसाब से, तो प्रेजेंट स्टेटस और उसमें क्या चेंजेज होंगे वो मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। अगर डीए मर्जर हम 8088 पॉइंट की बात करते हैं तो जो ऑलरेडी 6352 पॉइंट्स था और उसका जो फार्मूला हम अगर कैलकुलेट करें तो इट विल जो फैक्टर फॉर रिवाइज बेसिक पेंशन आएगा वो 1.43 होगा। और अकॉर्डिंगली हम देखें अगर 5th बाइपार्टाइट से लेके 11th बाइपार्टाइट तक का जो फैक्टर होगा, कन्वर्जन फैक्टर होगा एज पर आरबीआई पैटर्न के हिसाब से, तो 5th बाइपार्टाइट का आप देखें तो 28.25, 6th बाइपार्टाइट का 13.38, 7th बाइपार्टाइट का 8.32, 8th बाइपार्टाइट का 6.27, 9th बाइपार्टाइट का 4.07, 10th का 2.31 एंड 11th पीपीएस का 1.43। ये सारे जो इनफैक्ट जो कैलकुलेशन है वो यहाँ पे दिए गए हैं जिसका डिटेल मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। और अगर अब बात करते हैं एग्जाम्पल के लिए, अगर 9th बीपीएस का केस ले लें तो अगर उनका बेसिक पे अगर मान के चलिए बेसिक पेंशन 20,000 है और 9th बाइपार्टाइट है तो बिटवीन 1st नवंबर 2007 टू 31st अक्टूबर 2012 और डियरनेस रिलीफ 47,160, एडिशनल जो एक्सग्रेसिया जो दिया जा रहा है वो 3,100 और ग्रॉस पेंशन होगा 70,260। और अगर इसी केस को हम ले लें और आरबीआई पैटर्न पर कैलकुलेट करें तो कन्वर्जन फैक्टर जो होगा वो 4.07 होगा और अकॉर्डिंगली 81,400, डीए एप्लीकेबल 15.73%, अकॉर्डिंगली 12,804 और टोटल होगा 94,204। एग्जिस्टिंग है 70,260 और डिफरेंस आएगा 23,944। एक एग्जांपल हम 10th बाइपार्टाइट का भी लेके देखते हैं कि 10th बाइपार्टाइट में के अगर केस है तो उसमें क्या होने के चांसेज हैं। 10th बाइपार्टाइट के केस में हम लेते हैं कि अगर मान लीजिए बेसिक पेंशन 24,960 है और 10th बाइपार्टाइट का केस है यानी कि 1st नवंबर 2012 से लेके 31st अक्टूबर 2017 के बीच में, डियरनेस अलाउंस 29,228, एडिशनल एक्सग्रेसिया 1,500 और ग्रॉस पेंशन 55,688। और अगर सेम अगर हम आरबीआई पैटर्न पर देखते हैं तो 24,960, कन्वर्जन फैक्टर 2.31 और डीए 15.73 एंड टोटल कम्स 66,726, अकॉर्डिंगली द डिफरेंस इज द 11,038। ये सारी कवायद केवल ये है कि अगर हमारा पेंशन अपडेशन आरबीआई पैटर्न पे होता है तभी हमारे लिए लाभप्रद है। हालांकि यूबीयू और आईबीए के मनसा बहुत अच्छी नहीं लगती है, पर सारा केस एमसी सिंगला केस पे डिपेंड है। अगर कोर्ट इस तरह का कोई आदेश देता है जैसा कि आर्डर नीसी के हिसाब से कोर्ट को जजमेंट जो देना होगा वो बैंक के फेवर में चांसेस ज़्यादा हैं, लेकिन जब उसका अभी नेक्स्ट हियरिंग की डेट ही नहीं लग पाई है सुप्रीम कोर्ट में और ये जुलाई से पहले नहीं लगेगी क्योंकि वैकेशन है, सो पेंशनर इसी उम्मीद में बैठे हैं
कि अगर सब कुछ सही सही लागू हुआ, आरबीआई पैटर्न पर 8088 पॉइंट का मर्जर 2068:100 सीरीज में आना, तो बैंकर्स बैंक रिटायरीज को एक उम्मीद है कि उन्हें अच्छा लाभ मिल सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्ते।